हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग गाइज़। आपको पता है आज की डेट में पार्वो इतना ज़्यादा फैला हुआ है डॉग्स के अंदर। लोग पपी लेके आते हैं, नेक्स्ट डे उसके अंदर लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, पोटी में ब्लड आने लग जाते हैं, तो लोग बहुत पिटी फील करते हैं, उनमें बड़ी गिल्ट फील आती है कि हम पपी लाए और हमने उसको बीमार कर दिया या उसको बुखार हो गया। तो बेसिकली गाइज वो ना इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर होता है पार्वो और डिस्टेंपर के। इंक्यूबेशन पीरियड मैंने पहले भी अपने कई वीडियोज़ में बताया है। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है कि जैसे डॉग के अंदर अगर मान लो इन्फेक्शन है, तो जब उसमें इन्फेक्शन गया और जब उसमें सिम्टम दिखने लग गए, ये जो ये पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, पपीज में ऑलरेडी ही इन्फेक्शन होता है या पार्वो डिस्टेंपर वगैरह होता है। जब आपके घर पे आता है, मदर से अलग होता है, उस टाइप की स्ट्रेस या ट्रैवलिंग की स्ट्रेस की वजह से उसमें वो बीमारी एक्सप्रेस हो जाती है। तो मैंने पहले एक वीडियो में बताया था आपको कि जब भी आप कोई प्रीमियम सा पपी परचेज करते हो, जो बहुत महंगा बच्चा ले रहे हो, या कोई भी अगर आप अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसका पहले जो कंटेजियस डिसीज़ है पार्वो और डिस्टेंपर, उसके लिए टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों ही मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये लेने आए थे, ये देने आए थे, तो इनका कंसर्न था कि हम पपी लेंगे तब लेंगे जब वो पार्वो और डिस्टेंपर से नेगेटिव होगा। तो अभी मैं इनका पार्वो डिस्टेंपर का टेस्ट कर रहा हूँ, आपको पूरा प्रोसीजर भी दिखाऊंगा ये किट में कैसे हम पार्वो डिस्टेंपर का टेस्ट करते हैं। ये किट आप लेना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर देना, हमारी टीम आपसे अपने आप वो कर लेगी, कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो पहले इसका पार्वो का टेस्ट करते हैं, थोड़ा नज़दीक आके दिखाओ कैसे होता है। तो सबसे पहले पपी का जो हमने जब परचेज़ करने जाना होता है, तो उसको ओवरऑल हमने ऑब्ज़र्व करना है पपी को। अब देखो इसकी आइज़ के अंदर पूरी चमक है। जब भी बच्चा बीमार होता है तो उसकी आइज़ थोड़ी शंकन हो जाती है, अजीब सी हो जाती है। इसकी टंग देखो, टंग बिल्कुल पिंक है इसकी। जो वाइटिश टंग होती है पपी की, तो इसका मतलब वो एनीमिक है बच्चा। और ये इसका कोट देखो, जो कोट कंडीशनिंग होती है बच्चे की, वो उसकी रिफ्लेक्शन ऑफ हेल्थ होती है। कोट बिल्कुल ठीक होना चाहिए, मैटी कोट होता है या उसमें टिक्स हो रखे हैं, माइट्स हो रखे हैं, वो उसको स्केबीज का भी इशारा हो सकता है कि बच्चे में स्केबीज है। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप जो सा होता है, हमने पपी के स्टमक को देखना है कि वो उसमें किसी भी टाइप का मतलब बहुत ज़्यादा सूखा हुआ तो नहीं है। जो हेल्दी पपी होगा उसके स्टमक में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, बहुत ज़्यादा पिचका हुआ स्टमक है या बहुत ज़्यादा ब्लोटेड स्टमक है, ये दोनों ही इंटेस्टाइनल डिसीज़ की निशानियाँ होती है। तीसरा, जब भी पपी लेने जाओ तो ये पोटी वाली जगह जरूर चेक करनी चाहिए। जिस बच्चे को लूज मोशन होगा यहाँ पे सारा गंद लगा होगा, गंद इसके भी लगा हुआ है, पर ये लंबे बालों वाली ब्रीड है, थोड़ा बहुत अलाउड होता है। जो यहाँ पर ये जो रेड हो रखा है, ये वाली जो चीज़, इसमें इन्फेक्शन होता है। अगर लूज मोशन दो तीन दिन बच्चे को रह जाए तो डेफिनेटली उसकी जो सी एनस के आसपास का एरिया होता है उसमें फंगस ग्रो कर जाती है, तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर जब भी पपी लो तो कोशिश करो कि मदर के नीचे से लेके आओ, वो तो आपको मैंने पहले भी बताया था। फिर जो मेल पपी हम परचेज करने जाते हैं उसके टेस्टिकल जरूर चेक करने चाहिए। मतलब ये कुछ लोग गोली पा के भेज देते हैं जी, 5 महीने पर आते हैं, 7 महीने पर आते हैं, ऐसा नहीं है। 1.5 महीने पे आए होने चाहिए, आइडियल कंडीशन ये है। आ तो चाहे 6 महीने बाद जाएं तो फिर वो आगे जो उसकी प्रोडक्शन होगी उसमें भी 6 महीने के बाद टेस्टिकल डिसेंड करेंगे, तो वो दिक्कत रहती है हर एक चीज़ की। तो बेटर है कि अब इसका पपी के हमने आते ही पहले टेस्टिकल चेक किए, क्योंकि इन्होंने फ्यूचर इसको स्टड सर्विस के लिए रखना है, तो ये तो एक प्राइम रिक्वायरमेंट है कि वो पपी का वो रहना चाहिए। दूसरा, पपी के जो पेपर्स होते हैं उसके मदर के, फादर के, स्टड फॉर्म के, वो आपको पहले से ही देख लेने चाहिए। कई बार क्या होता है, मतलब सबकी बात नहीं मैं कर रहा, ब्रीडर्स क्या करते हैं कि पेपर्स किसी के दिखा देते हैं जी, चैंपियन लाइन है, ये लाइन है जी, वो लाइन है। जब पेपर लेने जाते हो तो वो किसी के भी ऐसे उठा के पकड़ा देते हैं पेपर, फिर उनके यहाँ लड़ाई करते रहो। तो सबसे पहले जब पपी के पेपर लेने हैं, मदर के पेपर ले लो और फादर का स्टड फॉर्म की फ़ोटो स्टेट ले लो, ताकि जब उसका आपके पेपर बन के आए तो आप उससे कन्फर्म मैच कर सको कि भाई वही पेरेंट्स हैं उसके। तो अब इसका अपरेंटली सब कुछ नॉर्मल है, तो अब इसका मैं पार्वो का टेस्ट कर रहा हूँ, वो आपको मैं दिखाऊंगा प्रॉपरली क्या उसका तरीका होता है। इसकी पार्वो किट के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो ये सैंपल का जो लेने वाला है, एक ये बफर सॉल्यूशन होता है, और ये एक्चुअल किट होती है। ये दोस्तों यूके से आई हुई किट है, कुछ कंपनियां लोकल किट भी यूज़ कर रही हैं, वो बिल्कुल थर्ड क्लास है, उनका कोई रिजल्ट नहीं है, ब्रांडेड किट से ही करना है आपने।
तो इसका प्रॉपर तरीका दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करना। तो ये किट हमने खोल ली, ये CPV का मतलब है कैनाइन पार्वो वायरस। तो ये हमने टेस्टर लिया, ये कल्चर लेने के लिए है, स्टराइल स्वैब होता है, खड़ा करना है इसको बच्चे को। तो बस मेरे बच्चे, सॉरी बेटा, सॉरी, प्यार से उसको उसका स्टूल का सैंपल लेंगे हम। ये इसका सैंपल आ गया, इसके अंदर अब बफर सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं उसको, इसको अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा बफर के अंदर। टू बी वेरी सिक्योर, एक बार और ले लेना चाहिए इसका, एक बार और कल कर लेना है। बस मेरे बच्चे, सॉरी बेटा, बस कर रहा था, ऐसे तो मत कर यार, तू तो वीडियो ख़राब कर रहा है हमारी। लो ये हो गया इसके अंदर बफर सॉल्यूशन के अंदर, इसके अंदर मिक्स हो गया। अब इसको हमने एक या दो बार ऐसे करना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इसी पकड़ना इसको, ये किट के अंदर ड्रॉपर होता है, साथ ही आता है इसके, ये भी स्टराइल है ड्रॉपर, इससे हम कल्चर लेंगे, इसको पूरा प्रेस करके इसके अंदर डालेंगे। ये सारा इसने सक कर लिया, इधर आना। अब ये S वाले स्लॉट के अंदर डाल देंगे, इसको फोकस करना है आपने। तो गाइज अगर दोनों लाइनें आ जाती हैं तो वो पॉजिटिव होता है, जब अगर सी वाली लाइन आएगी तो इसका मतलब नेगेटिव है। वो ये हमने डाल दिया, अब ये बच्चा 100% नेगेटिव है। अगर पार्वो की तो जो डी वाली लाइन है उसमें थोड़ा सा डार्कनेस जरूर आएगी, हल्का सा पॉइंट जरूर आएगा, इसमें बिल्कुल क्लियर है तो ये 100% नेगेटिव है बच्चा। हम ये कह सकते हैं कि अभी तक इसके अंदर कोई पार्वो वायरस का अटैक नहीं है, कोई अंदर इसके अंदर पार्वो वायरस है नहीं। इनिशियल स्टेज भी कैप्चर हो जाती है इसमें, अब आगे जाके इसकी किस्मत फिर पता नहीं, वैक्सीन झोला चाप से कराएंगे कि डॉक्टर से कराएंगे। हमारी खुद की पेट शॉप है, पेट शॉप भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, पेट शॉप भी डॉक्टर से करवाओ। ये हो गया पार्वो का टेस्ट, अब करेंगे हम डिस्टेम्पर का टेस्ट। तो गाइज इसके अंदर पार्वो का तो आ गया है नेगेटिव, अब हम करेंगे डिस्टेम्पर का। ये सारा सामान देते हैं साथ में। अब डिस्टेम्पर का कहाँ से वायरस हम डिटेक्ट कर सकते हैं? एक्चुअली आपको अगर डिस्टेम्पर की हल्की फुल्की नॉलेज हो तो डिस्टेम्पर वायरस वाले बच्चे के अंदर नोज से डिस्चार्ज होती है, उसके आई से डिस्चार्ज होता है, उसके ईयर से भी डिस्चार्ज होता है, और जो डिस्टेम्पर वायरस कभी कभी स्टूल के अंदर भी होता है। तो हमने सब जगह से इसका सैंपल लेना है। आइज का जो उसे डिस्चार्ज होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोन होता है डिस्टेम्पर को फैलाने के लिए। जिस बच्चे के अंदर डिस्टेम्पर होता है आई से डिस्चार्ज के अंदर, वो वायरस बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है। तो हम इसका आई का भी सैंपल लेंगे, जो फ्लूइड निकलता है आइज में से, और नेजल सैंपल भी लेंगे, वो सेम स्वैब ही लग जाएगा इसके अंदर। अब आना पास में, इसके अंदर भी सेम वही के वही चीज़ें हैं। ये हुआ, ये बफर सॉल्यूशन है इसका, इसका कंपनी वालों ने कलर कुछ और बना रखा है ताकि ये मिक्स ना हो जाए। अब तीसरा है जो उसी डिस्टेम्पर की किट है। तो इसका हमने तीन जगह से सैंपल लेना है, पहला तो उसका आइस के पास से लेंगे, जैसे बच्चे को काजल लगाते हैं उस तरह से इसका सैंपल लिया जाता है। इधर देखो क्या छोटे बच्चे को काजल लगाते देखा होगा आपने,
ये इसके आइस का सैंपल आ गया, इसको पहले हम बफर सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे। ये बफर सॉल्यूशन में चला गया इसका सैंपल। अब नेक्स्ट सैंपल लेंगे नेजल डिस्चार्ज का। देखो इस बच्चे का कोई क्लियर डिस्चार्ज है नहीं, बट स्टिल इसके जो नोज मॉइस्चर होता है उसी को ही हम ले सकते हैं। मेरा बच्चा दो मिनट, सॉरी बेटा। ये हमने नेजल डिस्चार्ज ले लिया। इसका ईयर से भी डिस्चार्ज ले सकते हैं, अगर ईयर्स के अंदर कुछ ही किसी भी टाइप का डिस्चार्ज हो रहा है वो भी इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। और ये हम ना सीरम का डिस्चार्ज भी ले सकते हैं, जो मतलब डॉग का ब्लड सैंपल लेके उसका सीरम भी कलेक्ट कर सकते हैं। बट ये जो आम आदमी कर नहीं सकता, ये सिर्फ डॉक्टर कर सकते हैं, तो इसलिए उसको बताने का फ़ायदा नहीं। अगर आपके पास कोई वेट है तो आप इसका ब्लड भी कलेक्ट करो, उसके सीरम सैंपल भी ले सकते हैं। अब हमें इसका स्टूल का सैंपल लेना है। स्टूल का सैंपल सबसे लास्ट में लेना है, क्योंकि हमने पहले स्वैब को आइज़ में भी लगाना है और इसके नोज़ पे भी लगाना है, तो जो स्टूल वाला सैंपल है वो सबसे लास्ट में लेंगे। तो ये हमने ले लिया इसका, इसको अच्छी तरह कर दिया मिक्स। ये इसके अंदर चला गया बफर सॉल्यूशन के अंदर। अब इसको सेम वही दो बार इसको मिक्स करेंगे। ये मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, कई बार वो प्रेसिपिटेट कर जाता है तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आते। ये हो गया। अब ये आ गया हमारा, ये CDV का मतलब है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। इसमें भी हमारे को ये बफर के इसको डालना है, जो साहब मिक्स किया हुआ सैंपल है वो इसमें डालना है। इसको बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे रखना है आपने, जो ये किट है इसको फ्लैट सरफेस पे रखना जरूरी है। तो कंग्रेचुलेशन सर, आपका दो डॉग दोनों चीज़ों में नेगेटिव है। ये एक लाइन है तो इसका मतलब नेगेटिव है। अगर ये दोनों आ जाती हैं, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो उनसा इसका, इसमें जब ये देखो दोनों आती हैं तो पॉजिटिव होता है, एक आता है तो नेगेटिव होता है। अगर हमारे को नीचे वाली लाइन डार्क हो जाए तो इसका मतलब इनवैलिड सैंपल है। कई बार लोग पानी से दूध से ट्राई करके देखते हैं भाई किट सही चल रही है कि नहीं चल रही, हमने भी एक्सपेरिमेंट किए थे। अगर आप किसी और का सैंपल लोगे, आप इनमें दूध पानी, हाँ मतलब ये भी चेक करना वो होता है ना कि कंपनी वालों ने कुछ डाल भी रखा है कि नहीं इसके अंदर। तो अगर इनवैलिड सैंपल होगा तो टी है ना जो सा, वो सिर्फ लाइन वो हो जाएगी, दूसरी वाली लाइन पॉजिटिव नहीं आएगी। तो अब ये दोनों चीज़ों में है नेगेटिव। अब गाइस पता क्या है, सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत क्या होती है, किसी का ब्लड सैंपल चेक करवाया हमने और उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है तो लोग थोड़े से दुखी हो जाते हैं, अरे पैसे खराब हो गए यार नेगेटिव आ गए। ऐसा कभी भी हमारा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो अच्छी बात है, मतलब हमारे पैसे लगे तो, पर लेकिन हमारे को डायग्नोसिस हो गया। लोगों को कई बार ऐसा फील होता है कि यार ये तो नेगेटिव ही आ गया, टेस्ट कराया अपना लीवर के किडनी के टेस्ट कराए वो नॉर्मल आ गए, लोग दुखी हो जाते हैं यार 400-500 रुपये लग गए हमारे। उसमें दुखी नहीं होना चाहिए, डायग्नोस्टिक बहुत ज़रूरी है, ये अपने मुँह से बता नहीं सकते चीज़ों को, तो इन टेस्ट पर ही हमारे को निर्भर रहना पड़ता है कि डॉग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो होप करता हूँ गाइस आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर करनी है आपने। जो भी आपका रिलेटिव पपी परचेज करना चाहता है उसको ये वीडियो जरूर शेयर करो, ताकि वो चीटेड ना फील करे। एक ना बेसिकली क्या है कि अगर पपी की डेथ होती है तो एक फाइनेंशियल लॉस तो है ही है, उसके अलावा ना एक मेंटल टॉर्चर है लोगों के लिए। लोग बेचारे बड़े घर से लड़ झगड़ के कुत्ता लेके आते हैं और वो आके 3 दिन में मर जाता है, लोगों को 6-6 दिन नींद नहीं आती, मैं तो डेली देखता हूँ ये चीज़ें। तो इस जो पीटी कंडीशन होती है, जो गिल्ट वाली फील होती है, उससे बचना चाहते हो तो ये थोड़ा सा यार 1500 का प्रोसेस है। आप जब 70-80 हज़ार रुपये का बच्चा खरीद रहे हो तो 1500 मैटर नहीं करते, तो ये ज़रूर करवाना चाहिए आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू। सर का बहुत धन्यवाद सर। ये भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो इन्होंने मेरी वीडियो देखी थी तो वो कहते हैं कि चलो यार हम टेस्ट करवाने आ रहे हैं। मैं सारे फार्म के डॉग इनके पास लेके आता हूँ।
चलो थैंक यू।